वो होता है ना, इतना दूर फिर भी इतना पास, वेरी नियर येट वेरी फार. बिल्कुल वही सिचुएशन रही कोलकाता नाइट राइडर्स की. इनफैक्ट इस टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी सारी टीमों की, क्योंकि लगातार अच्छा खेल रहे हैं फिर खराब खेल रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जब एंड के तरफ आते हैं ना, तो वो हर हार हर मौका जो आप जीत सकते हो और गवा देते हो, चाहे एक रन से, चाहे एक विकेट से, जिस भी कारण से, वो इस पड़ाव पे टूर्नामेंट के आके ना हमेशा याद रहता है. और कुछ इसी तरीके से खेल इस बार कोलकाता के लिए भी चला है. स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर. और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा खेल देखने को मिला, लेकिन एक चीज़ बड़ी कंसिस्टेंट रही कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, वो था छोटे छोटे मार्जिन से हारना. बहुत करीब जाके जीते भी, बहुत करीब जाके हारे भी. और उसी तरीके का मैच, अंतिम मैच अपने होम ग्राउंड पर जब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने खेल रहे थे, तो वहाँ पर भी यही हुआ. क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलिए नज़र डालते हैं. जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, नितिश ने कहा कि हम जानते हैं कि क्या टारगेट हमारे को चेस करना है, हम उसी हिसाब से खेलेंगे. तो ऐसा लगा था कि जब शुरू में दो विकेटें आउट हुई लखनऊ की, लगा कि तो बहुत जल्दी खेल बदल सकता है और शायद लखनऊ इज़ नॉट इनटू अ कॉन्टेस्ट. बिकॉज इस कॉन्टेस्ट में आने के लिए, या ये कॉन्टेस्ट जब खत्म होता, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि लखनऊ को ये मैच जीतना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, क्योंकि चेन्नई इससे पहले मैच जीत चुका था. कोलकाता बहुत बड़े मार्जिन से जीतता तो कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स की दौड़ पे रहता, तो ये बिल्कुल क्लियर था स्पेशली एलएसजी के लिए. लेकिन जब 1, 2, 3, 4, 5 लगातार विकेटें गिरी ना, तब ऐसा लगा कि ना ना ना, ये कॉन्टेस्ट एलएसजी के लिए है नहीं, दबाव उन पे बहुत सारा है. एंड फिर से एक बार निकोलस पूरन की साझेदारी हुई, निकोलस पूरन ने फिर से रन बनाए आयुष बदोनी पर, जो एक ट्रस्ट दिखाती है ना टीम उनके साथ मिलकर, और रिस्पेक्टेबल टोटल. ये नहीं कहेंगे कि बहुत बढ़िया टोटल था, बहुत आसानी से डिफेंड कर सकते थे, पर हम लखनऊ ने ऐसे टोटल बनाए भी नहीं है जो कहें कि ये बिल्कुल मैच विनिंग टोटल रहा है. जब चेस करने के लिए उतरी कोलकाता, तो लगा रहे क्या बात है, पावर प्ले के अंदर इतनी शानदार बल्लेबाजी, आराम से जीतेंगे, आराम से ये रन चेस होंगे. लेकिन जैसे ही विकेटें आउट हुई ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, कप्तान नितिश भी आउट हुए, जेसन रॉय भी आउट हुए, वेंकटेश अय्यर भी आउट हुए, वहां से लगा अब कौन रन बनाएगा. चलते 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 जब तक रिंकू सिंह आखिरी गेंद नहीं खेलते ना, तब तक आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैच खत्म हो गया है. क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हुए आए हैं, जिस तरीके से वो कंसिस्टेंटली रन बनाते हुए आए हैं, ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग पर्सन एंड अ प्लेयर. पर्सन इसलिए क्योंकि इतना दमखम दिखाना कंसिस्टेंटली में भी तो दम चाहिए ना. सो ये क्रेडिट आपको ज़रूर रिंकू सिंह को देना चाहिए. इवेंचुअली जब लास्ट में मैं आई रिमेंबर हैविंग अ चैट विद रवि बिश्नोई, और उनके साथ मैं पूछ भी रही थी कि क्या आपको लग रहा था कि ये मैच फिर से रिंकू निकाल के ले जाएंगे, और उनको कहा बिल्कुल ऐसा लग रहा था. क्योंकि आप कह नहीं सकते ना, एक रन, महज एक रन से जीती है लखनऊ, एक रन से प्लेऑफ्स पहुंचे हैं, और एक रन से प्लेऑफ से बाहर भी हो सकते थे. कैन यू इमेजिन, इतना क्लोज है कॉम्पिटिशन. और वो एक रन कहीं ना कहीं, अगर आप कोलकाता के एक्स्ट्रास देखेंगे ना, तो वहाँ दिखेगा कि अगर इतने सारे एक्स्ट्रास नहीं देते ना, मतलब एक भी रन कम देते, तो मैच जीत सकते थे. लेकिन इतने सारे एक्स्ट्रा जो उन्होंने गेंदबाजी में दिए ना, वो उनको कॉस्ट कर गए. इवेंचुअली रन जब बनाने पड़े, हर रन के लिए इतने एफर्ट करना पड़ा. बट हैविंग सेड दैट, कोलकाता के लिए आई डू फील बैड, क्योंकि वो टीम अच्छी है लेकिन अच्छा नहीं कर पाए. लखनऊ जीती ज़रूर है, प्लेऑफ्स के अंदर ज़रूर पहुंची है, लेकिन अभी भी वो कन्विंसिंग तरीके से जीत के पहुंची नहीं रही है. कोई बात नहीं, प्लेऑफ्स तक पहुंचना कौन सा आसान है, क्योंकि जो सामने कंपटीशन है वो कोई हल्का फुल्का कंपटीशन नहीं है, वहाँ एक से बढ़कर एक टीम है. तो पहुंची है ना, वही बहुत बड़ी चीज़ है. लेकिन अभी यहाँ दौड़ खत्म नहीं हुई है, अभी दौड़ शुरू हुई है. इस दौड़ से पहले भी एक दौड़ हुई थी, वो थी दिल्ली और चेन्नई के बीच में, और वही हुआ. चेन्नई के बैटर्स आए, चेन्नई के बैटर्स ने रन बनाए, चेन्नई के बैटर्स ने जीत दिलाई. कौन दोनों, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे. ज़रा साझेदारी देखिए, सलामी साझेदारी ओपनिंग पार्टनरशिप की कितनी बढ़िया रही, और उस ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद जो सेकंड पार्टनरशिप भी हुई, वो भी इतनी अच्छी थी. ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही हुई थी कि शिवम दुबे आएंगे नहीं, रन बनाएंगे नहीं. डेवन कॉनवे और ऋतुराज ने जहाँ छोड़ा, वहीं से दुबे, वहीं से जडेजा, वहीं से कप्तान धोनी ने विश पिक किया. एंड अगेन, अगर बैटिंग इतनी अच्छी पिच नहीं होती तो रन्स बनते नहीं ना. मान ली बात कि बॉलिंग ऑफ पैचेस थी, सब कुछ मान ली बात, लेकिन रन्स तो बैटर ही बनाता है. और दिल्ली के पास भी अवसर था लेकिन नहीं बना पाए, और यही कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है दिल्ली के बैटिंग के अंदर. खैर, चेन्नई ने तो अपना नाम पहले क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि सबसे पहले गुजरात टाइटन्स था, फिर चेन्नई दोपहर का मुकाबला जीतने के बाद पक्का कर चुके थे, और शाम का मुकाबला जैसे ही लखनऊ जीता, उन्होंने भी कहा अरे 1, 2, 3 इज डन, टेकन, नाउ ओवर टू संडे, नाउ ओवर टू मुंबई इंडियंस, नाउ ओवर टू आरसीबी, एंड नाउ ओवर फॉर द वेट फॉर आरआर, कि कौन कहां कब कैसे पहुंचता है. तो मुकाबले अभी खत्म नहीं हुए, आने वाले कौन से दो मुकाबले, चलिए उस पर बात कर लेते हैं. आने वाले दो मुकाबले, पहले मुंबई मौका लेगी सनराइजर्स के सामने खेलने का और जीतने का, क्योंकि जीतेगी तभी दो अंक प्राप्त होंगे, दो अंक प्राप्त होंगे तो दौड़ में रहेगी.
लेकिन तब भी गारंटी नहीं है, उनको वेट करना पड़ेगा क्योंकि शाम को गुजरात के सामने बैंगलोर का मैच है और गुजरात बैंगलोर के अंदर जब खेलेगी तो अगेन वो भी ऐसा नहीं, पहली बार आमने सामने होंगे गुजरात और बैंगलोर। और बैंगलोर का डेन हम सबको पता है कि जब चलती है ना बैंगलोर की तो खूब चलती है। और इतना बढ़िया कोई वो गुजरात टाइटन्स ने कोई ऐसा नहीं किया कि जब भी वो घर से बाहर खेलें तो हमेशा जीते। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी इवन पेडेस्टल। लेकिन पहले देखते हैं मुंबई और सनराइजर्स, क्योंकि सनराइजर्स बहुत ही ज़्यादा हारती भी आ रही है ना टीम, तो कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल होगा कि बहुत कम होगा, बहुत लो होगा, चलिए आखिरी मैच है, खेलते हैं, जाते हैं। और वो एक अपॉर्चुनिटी मुंबई के लिए मिल सकती है कि आप हर डिपार्टमेंट में उनके आगे डोमिनेट कर जाएं। घर में खेल रहे हैं, दोपहर को खेलेंगे, मुंबई के अंदर गर्मी रहेगी, वो सब कॉमन है, लेकिन क्योंकि मुंबई को जीतने की जो एक हंगर है वो ज़्यादा रहेगी देन सनराइजर्स, तो कहीं ना कहीं वो मदद कर सकता है। और वो मदद अगर नहीं करेगा तो मुंबई को इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल पे अभी हुई है, पॉइंट्स टेबल पे मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं दूसरे मैच की बात बता देती हूँ कि कैसे और क्यों आरसीबी को जीतना ज़रूरी है। आरसीबी जीतेगा तो दो अंक मिलेंगे, दो अंक अगर मिलेंगे तो पक्की सिचुएशन होगी उनकी प्लेऑफ्स के अंदर पहुंचने की, नहीं जीतेंगे तो फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी और फिर ये तीनों टीमें आरआर एमआई एंड आरसीबी एक ही पॉइंट्स टेबल पर होगी, दैट इज़ अगर एमआई भी हारता है तो। चलिए अब पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल के ये बता देते हैं कि क्यों। 1-2-3 तो तय है, गुजरात सीएसके और एलएसजी। अब चौथी टीम की लड़ाई है, अब चौथी टीम में से जो भी मैच जीतेगा वो 16 पे पहुंचेगा। अगर दोनों जीत जाते हैं दैट इज़ एमआई और आरसीबी, क्योंकि वही दोनों मैच खेल रहे हैं तो वो भी 16 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट डिसाइड करेगा कि एमआई आगे जाएगा और आरसीबी आगे जाएगा। इसमें से आरसीबी को थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि वो सेकंड मैच खेलेंगे, शाम का मैच खेलेंगे, और अगर टॉस जीतते हैं और बैटिंग करते हैं सेकंड दैट इज़ चेस करते हैं तो उनके पास और ज़्यादा क्लियर एडवांटेज रहेगा, उनको पता रहेगा कि कितना क्या कैसे क्यों, सो एडवांटेज उनके पास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवांटेज उनके पास है तो वो मैच जीत गए हैं। पहले अगर मुंबई मैच जीतेगी तो दबाव भी आरसीबी के ऊपर आएगा क्योंकि फिर शाम को उनको मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ टेक्निकली पॉइंट्स वाइज तो ये सब देख लिया, लेकिन मैच जीतेंगे कैसे? तिलक वर्मा अभी तक फिट हैं या नहीं ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन निहाल वडेरा ने अपनी जगह अच्छी पक्की कर लिया। हाउएवर अगर तिलक वर्मा फिट होते हैं तो मुझे लगता है ही माइट जस्ट वॉक इन। बॉलिंग एक कमज़ोर कड़ी दिखी है, लेकिन क्योंकि सनराइजर्स इतने ज़्यादा बैटिंग उनकी चली नहीं, ऑफकोर्स हेनरी क्लासन ने शतक ज़रूर लगाया था लेकिन फिर भी मैच हारे थे, सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैडनेस रहेगा उनके लाइनअप के अंदर कि अब रन कौन बनाएगा। हाउएवर इट इज़ कम्प्लीटली न्यू गेम। लेकिन शाम को जो मुकाबला है, अब जहाँ राशिद खान, जहाँ मोहम्मद शमी गेंदबाजी करेंगे तो चाहे बैंगलोर हो चाहे अहमदाबाद, उनको तो हर जगह अपना होम ग्राउंड ही दिखता है। लेकिन रन बनाने के लिए ठीक है, विराट कोहली भी शतक से आए हैं निकल के, फैफ डुप्लेसी भी ऑरेंज कैप होल्डर है वो भी सबसे आगे है, ग्लेन मैक्सवेल तो हमेशा रन करते ही हैं और स्पेशली एक क्रंच सिचुएशन के अंदर, तो ये मुकाबला ना प्रेशर का है और टेंस मोमेंट्स का है। जौन सी टीम जीतेगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर पोजिशन पर रहेगी मैच जीतने के लिए। आपको क्या लगता है, मुंबई या आरसीबी? दो ही चीज़ें हैं क्योंकि आरआर के लिए बहुत मुश्किल है, बन सकता है चांस, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर दोनों मुंबई आरसीबी हार जाएंगे और बहुत खराब रन रेट से हारेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, या आप किसको बैक कर रहे हैं, रोहित शर्मा या फैफ डुप्लेसी, मुंबई की टीम या आरसीबी की टीम, या आपका तीसरा कोई प्रेफरेंस है? क्योंकि पहले तीन तो पक्के हैं, जल्दी बताइए क्योंकि आप आखिरी मैच है, आखिरी दिन है, उसके बाद हमें आपसे ये भी तो बात करनी है कि क्वालिफायर के अंदर कैसे कैसे सिनेरियोज बन के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।